काल के बारे में बात हो चुकी थी, जी तो मौर्य काल का पतन किस कारण से हुआ था? अयोग्य राजा अयोग्य शासक थे, शासक और जो प्रांतीय शासक थे वो कैसे व्यवहार कर रहे थे? क्रूर व्यवहार कर रहे थे, और अति केंद्रीयकरण भी इसका एक कारण हो गया था। क्या हो गया था? अति केंद्रीयकरण, यानी कि अशोक का जो राज्य था वो बहुत बड़ा हो गया था। क्या हो गया था? बहुत बड़ा। और उसके बाद के जो शासक आए उनमें उतनी क्षमता नहीं थी कि इतने बड़े राज्य को संभाल पाए, तो इसलिए क्या हो गया, इस राजवंश का क्या हो गया, पतन हो गया। अब इसके बाद कुछ देशी राज्य आते हैं और कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं। तो आज जो हमारा हेडिंग रहेगा उसमें हम देशी राज्यों के बारे में पढ़ के चलेंगे, देशी राजाओं के बारे में, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले आता है भाई कौन, शुंगु वंश। क्या आएगा? शुंगु वंश। इस पे पढ़ेंगे हम देशी में, शुंगु वंश। क्या पढ़ेंगे? शुंगु वंश। और इसके बाद कर्ण वंश, और इसके बाद सातवाहन, देशी, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा? शुंगु वंश, उसके बाद कर्ण वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मौर्य काल था उसका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य कब बना शासक? 322 और इससे लेकर के और 185 ईसा पूर्व, बृहदर्थ जो था ना ये इसी साल जो है मारा गया, इसकी मृत्यु 185 ईसा पूर्व में हुई थी। तो मौर्य का जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 322 से लेकर के 185, और 185 लेकर के अब पढ़ेंगे हम कौन सा वंश? शुंगु वंश। तो शुंगु वंश का जो शासन काल है, जो टाइम पीरियड है, वो शुरू हुआ कब से? 185 ईसा पूर्व से और 73 BC तक। कब तक? इतना ध्यान रखेंगे आप, रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो शुंगु वंश के जो संस्थापक थे, इसमें कुछ शासक हुए भाई, तो इनके शासकों की वंशावली लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसमें जो शासक हुआ इसका नाम था क्या? पुष्यमित्र शुंग। तो क्या था? पुष्यमित्र शुंग। पहला शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। इसके बाद जो अगला शासक बना उसका नाम था अग्निमित्र शुंग। क्या था? अग्निमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग। अग्निमित्र शुंग के बाद इसका पुत्र बना, यानी कि पुष्यमित्र का पौत्र हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा? वसुमित्र। क्या नाम है? वसुमित्र। वसुमित्र के बाद कुछ अन्य शासक बनेंगे, अयोग्य शासक थे, इनका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं। अगर लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो स्किप कर सकते हो इनको, ठीक है ना। सुजेष्ठ, सुजेष्ठ हो गया। इसके बाद एक शासक बना सुमित, और इसके बाद के कुछ शासक का हमें उल्लेख नहीं मिलता इतिहास में। तो इसके बाद आ जाता है कौन सा? भागभद्र। क्या आ जाता है? भागभद्र। और इसके बाद आ जाएगा भागवत। क्या आ जाएगा? भागवत। और अंतिम शासक रहेगा और इसका नाम होगा देवभूति। क्या है? देवभूति। तो जो प्रश्न आने के जो चांसेज होते हैं, वो एक तो आपको पूछेगा कि पुष्यमित्र शुंग इसका सबसे मुख्य शासक है, तो उसके बारे में पूछ सकता है, थोड़ा सा अग्निमित्र शुंग के बारे में पूछ सकता है, वसुमित्र से भी पूछ सकता है, और अंतिम शासक कौन था? देवभूति। तो आपको पढ़ना मोस्टली इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग, वसुमित्र, भागभद्र और देवभूति के बारे में। तो जहाँ से चांसेस हैं प्रश्न आने को, तो यही शासक है। बहुत छोटे छोटा टॉपिक है शुंगु वंश भी। इसके बाद आगे कौन सा वंश पढ़ेंगे? कर्ण वंश। तो बताओ कितने, कौन है प्रथम शासक, कौन है, यानी कि संस्थापक भी हो जाएगा पुष्यमित्र, अंतिम शासक कौन है? देवभूति। तो चलो हेडिंग लिखेंगे पुष्यमित्र शुंग। क्या है भाई? पुष्यमित्र शुंग। अब आपने देखा होगा इससे पहले कि बीच वाला जो टाइम पीरियड था वैदिक काल के बाद क्या हुआ? वैदिक काल के बाद बुद्ध काल आया, जैन काल पढ़ा हमने, उसके बाद महाजनपद काल पढ़ा, उसके बाद हर्यक वंश से सुनागो नंद वंश और मौर्य काल पड़ा। तो इस दौरान जो है अधिकांश जो प्रभाव रहा वो किस धर्म का दिखाई दिया? बौद्ध धर्म का ज़्यादा दिखाई दिया।
और थोड़ा थोड़ा बीच में जैन धर्म का भी हमें प्रभाव दिखाई दिया। तो एक प्रकार से सनातन धर्म कुछ टाइम के लिए क्या हो गया, विलुप्त हो गया था, यानी कि ब्राह्मण धर्म क्या हो गया था, विलुप्त हो गया। तो पुनः से जो ब्राह्मण धर्म की शुरुआत करी वो किसने करी थी, पुष्यमित्र सुंग ने। तो लिखेंगे एक बार पुनः सनातन धर्म की शुरुआत किसने करी थी, तो ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना किसने करी थी, पुष्यमित्र सुंग ने। ठीक है भाई, इतिहास में जो पहला ब्राह्मण वंश है ये भी कौन है, सुंग वंश ही है। ठीक है, इसको भी नोट करें। इतिहास में अभी तक जितने भी वंश हमने पढ़े, तो पहला ब्राह्मण वंश कौन है, पहला ब्राह्मण वंश भी हमारे पास सुंग वंश ही होगा। ठीक है ना, इतनी सी बात हो गई। ठीक है, अब पुष्यमित्र के बारे में जो प्रश्न आते हैं वो क्या क्या आते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वो सारी चीज़ भी लिखेंगे। तो पुष्यमित्र सुंग के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, अयोध्या में एक अभिलेख है, इसका एक राज्यपाल हुआ करता था। क्या होता था, राज्यपाल, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल कौन था, पुष्यगुप्त। तो उस प्रकार से इसका भी एक राज्यपाल हुआ करता था, और उस राज्यपाल का नाम था धनदेव। क्या था, धनदेव। तो धनदेव का अयोध्या अभिलेख क्या है, धनदेव का अयोध्या अभिलेख, धनदेव के अयोध्या अभिलेख से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, किसके बारे में जानकारी मिलती है, पुष्यमित्र सुंग के बारे में। तो अगर कभी आता है कि इसका राज्यपाल कौन था, धनदेव था, और इसका अयोध्या अभिलेख से भी हमें पुष्यमित्र सुंग के बारे में जानकारी मिलती है। इसके दरबार में योग दर्शन के जो प्रणेता है वो कौन थे, पतंजलि। कुछ प्रमुख रचनाएं थी इसके जो शुंग काल में रची गई इतिहास में, तो जो प्रमुख रचनाओं में से एक रचना किसकी भी थी, पतंजलि जी। तो इनके दरबारी कभी कहें तो कौन थे, पतंजलि। तो पुष्यमित्र सुंग के जो दरबारी कवि थे भाई कौन थे, पतंजलि जी थे। तो पतंजलि जी ने इस काल में एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम क्या है, महाभाष्य। उस ग्रंथ का नाम क्या है, महाभाष्य। ये व्याकरण से संबंधित ये क्या है, ग्रंथ है। अब महाभाष्य क्या है, इसको थोड़ा सा समझ के चलिए। इससे पहले हमने पढ़ा था, जब नंदवंश पढ़ा, क्या पढ़ा, नंदवंश। तो नंदवंश के दौरान पाणिनि ने क्या लिखा, एक व्याकरणिक ग्रंथ लिखा। जो पहला व्याकरणिक ग्रंथ है हमारे पास कौन है, अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी जो थी, इसी का एक संक्षिप्त रूप जो है इस पतंजलि ने लिखा था। इसी अष्टाध्यायी को क्या किया, थोड़ा संक्षिप्त रूप में लिख दिया। तो अष्टाध्यायी पर जो टीका लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया, अष्टाध्यायी पर टीका लिखा है। क्या है, एक टीका। टीका का मतलब होता है किसी भी चीज को थोड़ा संक्षिप्त रूप में लिखना, तो वो महाभाष्य है। तो ये दोनों ग्रंथ किससे संबंधित है, व्याकरण से। किससे है, और भी कुछ रचनाएं जो शुंग काल में रची गई थी, उनमें से प्रमुख है कौन, गार्गी संहिता। कौन है, गार्गी संहिता। तो गार्गी संहिता की रचना किसने करी, गार्गी ने। और अगली जो पुस्तक है, मनुष्यों के आदि पुरुष किसे कहा जाता है, मनु। तो मनु स्मृति जो है, मनु ने इसी काल में रची थी। ठीक है ना, मनु स्मृति। मनु स्मृति की रचना कब हुई थी भाई, मनुस्मृति की रचना भी इस काल में हुई थी। साथ ही साथ जातक कथाएं, क्या है, जातक कथाएं। जातक कथाएं जो हैं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। तो इनकी रचना भी कब हुई थी, इस शुंग काल में ही हुई थी। कब हुई थी, शुंग काल में। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि भारतीय इतिहास में प्रथम ब्राह्मण वंश कौन था, शुंग वंश, तो ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म की पुनर्स्थापना किसने करी, पुष्यमित्र सुंग ने करी। किसने करी थी, पुष्यमित्र सुंग ने। इसका राज्यपाल कौन था, धनदेव। और धनदेव के अयोध्या अभिलेख से हमें पुष्यमित्र सुंग के बारे में जानकारी मिलती है। इसका दरबारी कवि कौन था, पतंजलि। पतंजलि ने एक टीका लिखा है किस पे, अष्टाध्यायी पे, और उसका नाम क्या है, महाभाष्य। पतंजलि किसके प्रणेता है, योग दर्शन के। ठीक है ना,
गार्गी संहिता किसने रची? गार्गी ने। मनुस्मृति की रचना किसने करी? मनु ने। इसको जातक कथाएं क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित, जो कि इसी समय जो है, ये अब इसका कोई अनाम है भाई, ठीक है ना, अज्ञात, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो गई। अगला लिखेंगे, इसके शासनकाल में कुछ जो है यवन आक्रमण हुए थे। क्या हुए थे? यवन, यूनानी आक्रमण। क्या कहेंगे? यूनानी आक्रमण। तो एक आक्रमण था विदर्भ का आक्रमण। क्या था? विदर्भ। क्या था भाई? विदर्भ आक्रमण। तो विदर्भ आक्रमण के लिए इसने अपने पुत्र किसको भेजा? इसका पुत्र का नाम क्या है? अग्निमित्र। क्या नाम है? अग्निमित्र। तो अगर प्रश्न आता है कि विदर्भ आक्रमण या विदर्भ आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो पिश्वमित्र सुंग, और इसको दबाने किसके लिए, किसको भेजा गया? अग्निमित्र सुंग को भेजा गया था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें याद रखना है। इसके बाद इस शुंग वंश के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, और एक पुस्तक है कालिदास की, उसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। क्या है? मालविकाग्निमित्रम। क्या नाम है? मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। कालिदास की रचना, किसकी रचना है ये? कालिदास। इस पुस्तक से भी जो है हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? शुंग वंश के बारे में। और किस शासक के बारे में? तो जो विकाग्नि दिख रहा है यहाँ पे, विकाग्नि, तो अग्निमित्र शुंग के बारे में, किसके बारे में मिलती है? अग्निमित्र और उसके प्रेम प्रसंग के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? कालिदास के मालविकाग्निमित्रम। तो ये पुस्तक कभी कभी पूछी जाती है। तो मालविकाग्निमित्रम किसकी पुस्तक है? कालिदास की। और किस शासक का नाम मिलता है? अग्निमित्र शुंग का, ठीक है ना, अग्निमित्र सुन। अगला है मिलिंद पन्हु। क्या है? मिलिंद पन्हु एक पुस्तक है, बौद्ध ग्रंथ है ये। क्या है? बौद्ध ग्रंथ। क्या है? बौद्ध ग्रंथ। अब क्या हुआ था, एक विदेशी आक्रमणकारी यानी कि यूनानी आक्रमणकारी था, उसका नाम था मिनांडर। क्या था? मिनांडर। इस मिलिंद पन्हु में एक जानकारी मिलती है, यवन आक्रमणकाली मिनांडर और मिनांडर और इधर थे कौन? नागसेन। इस शुंग वंश में ही था कौन? नागसेन। तो नागसेन और मिनांडर के बीच में युद्ध ने, नागसेन से जो है इस मिनांडर ने, हालांकि आक्रमणकारी तो था, लेकिन बाद में इस मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा धारण की, ठीक है ना। इस नागसेन ने, इस मिनांडर ने क्या किया? नागसेन से किस चीज की शिक्षा धारण की? बौद्ध धर्म, बौद्ध। तो मिलिंद पन्हु से हमें क्या जानकारी मिलती है कि नागसेन से इस यवन आक्रमणकारी मिनांडर ने क्या करी? बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। साथ साथ एक चीज और उल्लेख मिलता है, मिलिंद का मतलब होता है प्रश्न। क्या होता है? प्रश्न। और पन्हु का मतलब होता है पूछना। प्रश्न और पन्हु का मतलब क्या होता है? पूछना। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो इसने इससे पूछा, मिनांडर ने, बौद्ध धर्म से संबंधित जो जानकारी मिनांडर ने किससे पूछी? नागसेन से। तो मिलिंद का मतलब क्या होता है? प्रश्न। और पन्हु का मतलब पूछना। तो इस मिलिंद पन्हु का शाब्दिक अर्थ ये है कि नागसेन से मिनांडर के द्वारा प्रश्न पूछे गए, उस सब चीज के बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो मिलिंद पन्हु क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्हु क्या है? बौद्ध ग्रंथ। और मिनांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली? नागसेन से। अब एक चीज और इसमें ध्यान रखनी, जो एक शासक अगला पढ़ेंगे हम, क्या भागभद्र। क्या है? भागभद्र। तो भागभद्र के शासनकाल में एक राजदूत आया था। क्या आया था? राजदूत। जैसे कि मेगास्थनीस आया, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, डायमिकस आया बिंदुसार के दरबार में,
तो इसी प्रकार से भागभद्र के दरबार में एक राजदूत आया था और उसका नाम क्या था? हेलियोडोरस। क्या है? हेलियोडोरस। तो परीक्षा में आते हैं कभी मिलान करने के लिए कि हेलियोडोरस जो राजदूत था वो किसके किसके शासनकाल में आया? भागभद्र के शासनकाल में आया था, ठीक है ना। तो शुंग काल में जो शासक था भागभद्र, इसके शासनकाल में कौन आया? हेलियोडोरस, ठीक है ना। और इसका जो अंतिम शासक हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? देवभूति। क्या हो जाएगा? देवभूति, ठीक है ना। साथ ही साथ एक चीज और नोट करके लिखेंगे, पुष्यमित्र शुंग ने सांची के बौद्ध स्तूप और भरगुत के बौद्ध स्तूप को क्या किया? नहीं, इसने अधिकांश जो है बौद्ध स्तूप तो तुड़वा दिए थे। अधिकांश बौद्ध स्तूप क्या किया इसने? तुड़वा दिए थे। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये बौद्ध विरोधी शासक भी था, लेकिन सांची का स्तूप और भरगुत का स्तूप इसमें क्या किया इसने? इस सांची का स्तूप था तो इस ये स्तूप जो है चारों ओर लकड़ी की दीवार थी, इसमें क्या थी? लकड़ी की दीवार। तो बाद में इसने जो है इसके चारों ओर संरक्षित करने के लिए पत्थर की दीवार लगाई। क्या लगाई? पत्थर की दीवार। तो यहाँ तो क्या पता चल रहा है कि ये क्या था? धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। लेकिन कहीं कहीं पर हमें उल्लेख मिलता है कि इसने जो है अधिकांश जो है बौद्ध स्तूप तुड़वा दिए थे, लेकिन सांची का स्तूप लिखेंगे, जो सांची का स्तूप है और भरहूत स्तूप, इसको क्या किया इसने? संरक्षित किया, भरहूत, ठीक है ना। सांची का बौद्ध स्तूप एवं भरहूत का बौद्ध स्तूप को पुष्यमित्र शुंग ने क्या करवाया? संरक्षित करवाया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। तो बताओ शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पतंजलि किसके दरबारी कवि थे? कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने? महाभाष्य। गार्गी संहिता किसने लिखी है? अच्छा, मनुस्मृति किसने लिखी? मालविकाग्निमित्र किसकी पुस्तक है? मिलिंद पन्नु क्या है, जैनदर ग्रंथ या बौद्ध ग्रंथ? जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है? तो ये सारी चीज आपको याद रखनी। हेलियोडोरस किसके शासनकाल में आया? भागभद्र, ठीक है ना। और अंतिम शासक कौन था? विभूति। तो इतना ही रखते हैं आज, ठीक है।